फिल्म राधे रंगीला में एक गरीब लड़के की कहानी है जो बहुत ही गरीब होता है और उसके घर में खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिल्म के निर्देशक ने क्या कुछ बताया फिल्म के बारे में, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। ऐसा कि कहानी जो एक गांव की कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। भोला भाला बहुत गरीब लड़का है और वो उसके घर पे खाने पीने की बहुत सारी तकलीफें हैं और किसी तरह से अपना दिन गुजारता था। उसकी माँ चौका बेलन करती थी और बस उसी बीच में किसी लड़की से उसको प्यार हो गया और प्यार हो जाने के बाद जो है उसके दोस्त थे लक्ष्मण और ऐसा करते हुए कहानी बढ़ी। तो गांव की कहानी है और इसके लिए मेरे को लोगों ने कन्विंस किया तो मैं इस पर आगे बढ़ गया। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो रिकवरी नहीं हो पा रही है दूसरी फिल्मों में, पैसे वापस नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी आप पैसे लगा रहे हो फिल्म के लिए। नहीं, ऐसी ये बात तो सही है जो बोलते हैं कि पैसे रिकवरी नहीं हो पा रही है। कुछ हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, हम तो उनको प्यार से काम के लिए लेते हैं, भाई बंधु में लेते हैं या दोस्ती में बोलते हैं कि मैं हूँ। उसके बाद के उनके जो नाटक और नखरे होते हैं कुछ, उस वजह से भी प्रोड्यूसर परेशान है। और सच्चाई है क्योंकि मैं, बाकी प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते हैं लेकिन मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को दब कर रहना है। हम पैसा देते हैं, जब हम पैसा देते हैं तो हम काम टकाटक लेंगे और उस जगह पे फिर वो मोनोपोली जो उनकी एक होती है ट्रेजरी वो करते हैं तो तकलीफ होता है, इसके लिए प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। लेकिन क्या है कि अब हमारा एक बिजनेस होता है तो हमारा बिजनेस है, हमारा इच्छा है कि हमको फिल्म बनाना है तो मैं फिल्म बना रहा हूँ। जो आर्टिस्ट आपने लिए हैं, क्या इसमें से भी कोई किसी तरह की परेशानी आपके सामने पेश कर रहा है? ऐसा ही आर्टिस्ट तो जो मैं लिया हूँ सब अच्छे हैं। राकेश तो मेरा छोटा भाई है, राकेश बहुत अच्छा लड़का है। राधे श्याम जी हमारे पार्टनर भी हैं और इसमें मेन लीड हीरो भी हैं। अमरीश सिंह जी हैं, संगीता तिवारी हैं, इनू श्री हैं। तो अभी तो आज पहला दिन है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ तो शायद हो सकता है कि ऐसा लग भी रहा है हमको। फिल्म आपकी कितने दिनों का शेड्यूल है साहब, वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? शेड्यूल तो हमारा इस फिल्म का 18 दिन का है और इसको हम ईद के बाद या ईद पे रिलीज करने की प्लानिंग किए हैं। और मैं यही चाहता हूँ मेरे भोजपुरी भाइयों से, दोस्तों से, पूरे मीडिया भाइयों से कि कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को का प्रचार प्रसार करें और हमारी फिल्म अच्छी हो और हिट हो। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।